घटना पर मेरा मन दुखी है और इस घटना को कोई राजनीतिक नज़र से मैं नहीं देख रहा हूँ, देखना भी नहीं चाहिए। मेरी कोई मंशा नहीं है कि इस घटना को लेकर हम राजनीति करें, लेकिन हाँ, जिस तरह की घटना हुई है ब्लॉक कैंपस में दिन दहाड़े पुलिस की गोली चली, अपराधियों की गोली चली होगी, उसकी आवाज़ पुलिस के कानों तक पहुंची होगी, उतनी दूरी पर वहाँ से थाना है, तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा है कि कार्रवाई अविलंब हो, जो भी अपराधी हैं अविलंब गिरफ्तार किए जाएँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्थानीय लोगों ने मनीष सहनी जी के परिवार को तत्काल राहत देने की मकसद से कुछ मांग रखी है, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। पर्याप्त मुआवजा उनके परिवार को दिया जाना चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए और उनकी प्रतिमा प्रखंड कार्यालय में। बिहार में प्रशासन की स्थिति खराब है, जिस तरह से हालात हैं उसको देख कर क्या हमने कहा कि इस घटना को लेकर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरा मन महत्व है, मनीष सहनी हत्या कोई साधारण घटना नहीं। अभी 10 दिन पहले उनका निर्वाचन हुआ था प्रखंड प्रमुख के रूप में और हमारी परिवार हमारी पार्टी के लिए एक परिवार के सदस्य की तरह मनीष सहनी, इसलिए इस घटना को लेकर कहीं से हम राजनीति की मंशा से कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इस घटना के पीछे हो उस पर कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो और आगे प्रशासन ऐसा सख्त कदम उठाए ताकि कोई ऐसी दूसरी घटना न हो। आपने सरकार पर भी सवाल उठाया था, सरकार पर भी सवाल उठाया था। हमने कहा कि इस घटना को लेकर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार पर सवाल हमने उठाया था निश्चित रूप से, लेकिन उसके पीछे मेरी मंशा है कि इस तरह की घटना आगे न हो।